अब जिन शख्सियत की हम बात करने जा रहे हैं वो कोई आम आदमी नहीं है, वो है रामू। अरे नहीं, आपके घर वाले रामू नहीं, यू नो व्हाट आई मीन, ये तो है बॉलीवुड के रामू, यानी राम गोपाल वर्मा। अरे थोड़ा प्यार से भाई, इन्हें बुरा बहुत जल्दी लग जाता है। वो ऐसे अगर अपने अंदर झांक कर ये देखें तो इन्हें दूसरों को बुरा फील करवाने में भी बड़ा मजा आता है। रामू जी को लगता है कि वो हमें चिकन बोलकर थाली में कौवा परोसेंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा। सॉरी टू ऑल द कौवास, यार नो ऑफेंस। ऐसा ही हुआ राम गोपाल के साथ उनकी फिल्म रण के समय पर। वो कहते हैं ना, ऊंचे बोल फटा डोल। इन्होंने क्या क्लेम किया था रण से? कि मैं मीडिया की पैंट्स डाउन कर दूंगा अपनी इस फिल्म से। मीडिया की पैंट्स डाउन, व्हाट आर यू सेइंग? हमें तो फिल्म के पिटने के बाद कुछ और ही गीला होता नजर आया। अरे भाई आप क्या सोच रहे हैं? है? हम तो उनके रुमाल की बात कर रहे हैं जो उनके आंसुओं से गीला होता नजर आया। अब समझे? ऐसी लगी इस फिल्म के रिलीज के बाद रामू की कि आज ही उनकी झल्लाहट के नमूने आए दिन कई अलग अलग रूप में देखने को मिलते हैं। कब छोड़ेंगे वो अपने झूठे क्लेम करना? पहले भी कई बार वो ऐसी गलतियां कर चुके हैं। इसीलिए हमारे इस अवार्ड के लिए सबसे सही हकदार रामू वर्मा ही है। द फोपाट झूठ बोले कौवा काटे। अवार्ड गोस टू राम गोपाल वर्मा एट नंबर 9।